हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो भी टेनिस बॉल से बैटिंग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा तीन बड़ी गलती। गाइस, ये तीनों गलती अगर आप अपनी बैटिंग में करते हो तो कभी भी आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हो, अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते हो। तो आज ही अपनी बैटिंग से गलती निकाल दे। और गाइस, जो दूसरे वाली है वहां तक तो वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बैटिंग चेंज कर देगी टेनिस बॉल से। मेन गाइस, सभी बैट्समैन के लिए ये वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अब बात करते हैं पहली गलती के बारे में। गाइज, पहली गलती बहुत ज्यादा मेरे भाई करते हैं जो बैटिंग करते हैं, टेनिस बॉल से बैटिंग करते हैं, वो एक ही शॉट देखते हैं। मतलब ऐसे अगर आप स्टांस ले तो सब बॉल वो देखते हैं कि ऐसे ही उड़ानी है, ऐसे ही उड़ानी है। अगर आप ये हमेशा अपनी बैटिंग में रखोगे कि एक ही जगह आपको सारे शॉट देखने, तो कभी भी आप एक अच्छे बैट्समैन गाइज नहीं बन सकते हो। तो आपको ये गलती आज ही अपनी बैटिंग से निकालनी पड़ेगी। एक जगह नहीं देखना है कि आपको लेग में ही मारना है, आपको ये ही शॉट मारना है, आपको ये आसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके नुकसान क्या है गाइज, आप यहाँ की बॉल भी अगर यहीं उठाना सोचोगे, मतलब यहीं उड़ाना सोचोगे, उसका आउट होने का चांस उतना ही ज़्यादा है। और वो देखने में अच्छा लगा कि एक जगह सिक्स मार रहे हैं, जब चारों तरफ आप छक्के मारोगे तो गाइज अलग ही बैटिंग लगती है देखने में। तो हमेशा आज के बाद आपको क्या कोशिश करनी है, जहाँ बॉल मिले, अगर आपको यहाँ बॉल मिल रही है तो ट्राई करो कि इधर ही मारो, जिधर बॉल है उधर मारो। स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे आप मारने लगोगे। तो आज ही अपनी बैटिंग से सारी गलती निकाल दो, जिधर बॉल है उधर ही मारना है, इधर बॉल है इधर मारना है, उधर बॉल है उधर मारना है। गाइज, अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेरे भाई बिगिनर गलती करते हैं। क्या है, बैटिंग करते हुए जल्दीबाजी करते हैं। मतलब अगर 8 ओवर का गेम है तो 2 ओवर में ही सोचते हैं वो पूरा गेम खत्म करते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। 8 ओवर अगर गाइज आप पूरे भी खेलोगे तो कम से कम 10 छक्के तो आप मान के चलो आराम से लगा दोगे। तो आप 10 छक्के भी नहीं लगे गाइज, आप बाउंड्री तो लगा सकते हो, मतलब आप चौके तो लगा सकते हो। उसका मतलब टेनिस में क्या होता है, जब मैं बैटिंग करता था स्टार्टिंग में तो क्या करता था, मतलब सारी बॉल उड़ाने देखता था, मतलब हवा में जाए तो अच्छी बैटिंग है। तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दो गाइज, बाउंड्री भी अगर आप चौके मारोगे, सिंगल डबल भी लोगे तो आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस है। तो लिफ्टे मारना ही ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बैट्समैन आपको कहलाओगे, आपको खेलना है आपके बॉल के अकॉर्डिंग खेलना है। और इसको आपको कभी मजाक में बैटिंग नहीं करनी है। आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो टेनिस क्रिकेट है, इससे भी गाइज बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले। MS धोनी देख सकते हो आप, टेनिस ही खेलते थे, उनका गेम भी गाइज अलग तरीके है। वो कारण क्या है, वो टेनिस बॉल अच्छे तरीके से खेलते, सीरियस खेलते थे। तो आज अब लेदर में भी इसी तरीके से खेलते हैं और आज देख सकते हैं आप कितने बड़े कैप्टन हैं। तो आपको कभी भी मजाक में लेना, और अगर छोटा ओवर भी, अगर आप 6 ओवर भी खेल रहे हो तो आप पूरा खेलोगे तो आप अच्छे रन बना दोगे उसमें भी। तो आपको एक ओवर में ये नहीं सोचना है कि 6 की 6 बॉल पे सिक्स मारना है, बॉल के अकॉर्डिंग खेलना है, बॉल की मेरिट पे खेलना है। क्योंकि बॉलर है वो 6 बॉल डालेगा, उसमें 2-3 बॉल अच्छी भी डालेगा, 6 की 6 बॉल गाइज वो खराब नहीं डालेगा। तो अगर आपको मिल रही है, रोकने की मिल रही है तो आप रोक भी सकते हो। अगर ओवर से आप 2 छक्के ले रहे हो तो बहुत है गाइज, रन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। 6 ओवर में 12 छक्के आप मान सकते हो लग रहे हैं ऐसे। तो गाइज ये बातें इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो कोशिश करो कि पूरे ओवर खेलो, क्योंकि पूरे खेलोगे जब ही जाके आप बाहर बैठ के देखने से, चाहे आप ग्राउंड में हो, आप मैच की सिचुएशन को समझ रहे हो, रन कर रहे हो, चाहे आप चौके कर रहे हो, चाहे आप सिंगल ले रहे हो, चाहे आप छक्के मार रहे हो। तो कोशिश करो कि उड़ाने वाला गेम अच्छा है पर जो बॉल मिले, ये नहीं कि आप सब बॉल उड़ा रहे हो। ये आपका बैटिंग भी अच्छा कर देगा और आप एक अच्छे प्लेयर बनोगे। आप हो सकता है फिर लेदर से भी अच्छा खेलने लो, क्योंकि आपके अंदर माइंड आ जाएगा, जैसे मैच में माइंड होता है कि कब मारना है कब रोकना है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर मैच के हिसाब से खेलो, मतलब बॉल के हिसाब से खेलो। गाइज अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा मैं पर्सनल आपको बता दूँ, कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के गाइज बैटिंग नहीं हो सकती है। अगर आप विकेट के अंदर जाते हो, मतलब आप मैच खेलने जाते हो, अंदर बैटिंग करने जा रहे हो, अगर आप घबरा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो कभी भी आप एक अच्छे बैट्समैन नहीं बनोगे। तो आज ही अपनी बैटिंग से गाइज डरना निकाल दो, डरने वाली बात। और ये निकलेगा कैसे, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा मैच खेलोगे, ज़्यादा मैच खेलने स्टार्ट कर दो और अच्छी प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो। जब भी आप ग्राउंड के जाके अंदर, मतलब खड़े हो आप विकेट पे जाके अपना बैटिंग ऐसे स्टांस ले तो खड़े होते हो, तो उसी टाइम से आपको ये नहीं सोचना है कि ये बॉलर मुझे आउट कर देगा या कुछ हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे बॉल आएगी उस हिसाब से खेलना है और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप घबराओगे, डर एक ऐसा कारण है गाइज, अगर आप घबराने लगोगे तो आपकी बैटिंग उतनी ख़राब हो जाएगी। अगर आप खुल के खेलोगे, आप कॉन्फिडेंस से खेलोगे अंदर, तो आप उतना ही अच्छा खेलोगे। खेलना बस ऐसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जैसे आप अपने गाँव शहर आप कहीं भी खेल रहे हो तो आपको ऐसे ही खेलना है। तो डर आज से ही अपनी बैटिंग से निकाल दो, उतनी अच्छी आपकी बैटिंग हो जाएगी और डर धीरे धीरे निकलेगा। जब आप अच्छे मैच खेलोगे, अच्छी जगह परफॉर्म करोगे, तो आपका धीरे धीरे डर निकल जाएगा। बस आपको डरना नहीं है आज के बाद। ये सभी बातें अपनी बैटिंग में गाइस इंप्लीमेंट करो, आप बहुत अच्छे बैट्समैन बनोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि ये सब बातें मेरी बैटिंग में थी जब मैं टेनिस से खेलता था, तो उस टाइम आती थी, अब तो बहुत कम खेलता हूँ। पर आप भी ये सभी बातें अपनी बैटिंग से दूर करो। अगर आप डरते हो, अगर आप सभी बॉल को उड़ाना सोचते हो या आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो, तो ये धीरे धीरे आपकी बैटिंग में इंप्लीमेंट होंगी और
जब भी जाके आप एक अच्छे बैट्समैन बनोगे, फिर आगे कमेंट करना कि हाँ भैया हेल्प हुआ वीडियो से। कमेंट किया करो गाइस, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मोटिवेशन मिलता है बहुत। और इंस्टाग्राम पर भी अपना सपोर्ट दिखाओ, सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।